नमस्कार दोस्तों, मैं बीका दत्ता। मेरा YouTube चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करेंगे आप लोगों से एक CBC कपलिंग के बारे में, जो कि सेंटर बफर कपलर किया जाता है। आज कल इस कपलर बहुत चल रहा है, हाई स्पीड गाड़ी के लिए कपलर को माना गया है। आगे का IR टाइप का कपलिंग था, ये CBC था। अभी जो है H टाइप एंटी क्लाइंबिंग का कपलर आया है, वो हाई स्पीड गाड़ी में चल रहा है। उस गाड़ी को मैं दिखाऊंगा, उस CBC को मैं दिखाऊंगा, उसका बारे में कुछ बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक आप लोग अगर मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए, मैं एक गाड़ी, LHB गाड़ी होगा या तो कुछ गाड़ी होगा, उसके ऊपर मैं आपको H टाइप कपलर का बारे में कुछ बताऊंगा। तो तब तक के लिए इंतज़ार करिए, मैं थोड़े बाद में इस H टाइप कपलर को डायमेंशन और उसके बारे में पार्ट्स का नाम क्या होता है बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, उस तरफ में एक गाड़ी है LHB, उधर जाके देखते हैं। चलिए, ये देखिए एक LHB रेक खड़ा है इधर, और ये हो गया आपका LHB लिंक ऑफमन बूस LHB का बॉडी, और ये हो गया फिएट बोगी, जो कि जापान बॉडी है और स्विट्जरलैंड का बोगी है। ये जापान एंड स्विट्जरलैंड का कोलाबोरेशन में ये LHB हाई स्पीड गाड़ी 160 KMPH में जाने सकता, लेकिन ये गाड़ी अभी 103 में जाते हैं और ट्रैक मिलने से चलेंगे। तो आज आप लोगों को मैं इस गाड़ी का CBC के ऊपर जाएंगे। CBC दो किस्म का होता है, एक IR टाइप का और एक AAR H टाइप कपलिंग, H टाइप टाइप कपलिंग। ये देखिए, ये एक CBC दिखा रहा है, ये ओपन कंडीशन में है, अभी लॉक कंडीशन नहीं है। तो ये हो गया सेंटर बफर कपलर, AAR H टाइप टाइट कपलिंग। फीचर के बारे में बताएंगे, इसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे। ये CBC आपके ये कोच में दो एंड में दो लगा है, एक इधर एक उधर। तो CBC के अंदर में आपको डाफ्ट गियर है, जो कि गाड़ी खींचते हैं और ये अपना काम करता है। इसमें बफर सिस्टम का, कोई बफिंग गियर का कुछ ज़रूरत नहीं है। देखिए, इधर होल है, इधर बफर बढ़ने का जगह था, लेकिन दरकार नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपका बफर का भी काम करता है। CBC का मतलब है सेंटर बफर कपलर, तो ये दोनों काम एक साथ करता है। और आपको जब कर्वेचर होता है उस टाइम में आराम से CBC जो है, ये देखिए ये पोर्शन में ये अपने आप घूमते हैं और बोगी को और बॉडी को ये घुमाने का काम करते हैं। और ये CBC जो होता है, ये बहुत हाई टेंशन का गाड़ी होते हैं और एक साथ में बहुत सारा गाड़ी को खींचने का लायक कर सकते हैं। ये H टाइप कपलर जो है, ये आपका राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, इस टाइप का हाई स्पीड गाड़ी में लगते हैं। आपका देखिए, ये CBC के पार्ट्स में ये है H टाइप कपलर हेड, और ये हो गया आपका सपोर्टिंग डिवाइस उसका, और ये हो गया आपका डाफ्ट गियर का साथ में ये CBC का, और अंदर में डाफ्ट गियर का साथ में वो चले जाते हैं। तो गाड़ी खींचने से, इसको खींचने से अंदर में डाफ्ट गियर है, वो गाड़ी को टांगते हैं। और इसको मैनुअल ओपन करने के लिए ये मैनुअल हैंडल रखा है, और ये CBC खुलेगा और लॉक हो गया। अभी ओपन कंडीशन में है, बाद में हम दिखाएंगे। CBC का लॉक लिफ्टर हैंडल से CBC को अपना फीचर में बता रहा है, देखिए। तो ये CBC का लॉक लिफ्टर हैंडल है, और इधर ये रोटर है, और इधर इसका चाबी है। तो ये CBC लॉक लिफ्टर हैंडल को आपको थोड़ा से उठाने पड़ेगा, उठाने के बाद में इस तरफ से इस तरफ घुमाने पड़ेगा, तो अब CBC अनकपल होगा।
ये हो गया आपका कपलर हेड, सीबीसी कपलर हेड, ये हो गया आपका सैंक, इसका इधर हो गया आपका वायर प्लेट है एक, और ये सपोर्टिंग डिवाइस है, ये लोड आपका इस तरफ में लेते हैं इसको ऊपर में, और ये सीबीसी स्ट्रोक करते हैं आगे पीछे, और इधर एक देखिए पिन है, ये नकल पिन है, नकल पिन कटर इसमें लगा हुआ है। ये सीबीसी का लॉक देखिए, ये है लॉक, ये जब आपको नकल ये खुल जाएंगे ये लॉक तब अंदर चले जाएंगे, हाँ, और ये जब थ्रो होगा ये नकल का ये जगह देखिए अंदर में चले जाएगा और ये ऊपर में हो जाएगा। अगर आपको अनकपल रहेगा, ये लॉक ठीक से नहीं गिरा रहेगा, ये जो है ये ऊंचा में रहेगा और उस टाइम में आपका लॉक ठीक से प्रॉपर नहीं गिरा होगा, तो आपको इधर आपको इंडिकेट करेगा, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन ऐसी नहीं दिखेंगे, ये वर्टिकली इस तरह ऐसी दिखेंगे थोड़ा, और ये टेल जो है अंदर में रहेगा, और ये जो पोर्शन है आपको, ये जो देख रहा है ये जो रॉड, ये रॉड इस तरफ में रहेगा, तो इस तरफ मूवमेंट में रहेगा, ये मूवमेंट में रहेगा रॉड, ये मूवमेंट में रहेगा, ओके। तो इसके बाद में मैं आ रहा है सीवीसी डब्ड गियर का, जो गाड़ी टानते हैं कैसे टानते हैं उसके बारे में, उसका कैसी लोड होगा। तो इसके डब्ड गियर के डायनामिक जो एनर्जी होगा वो आपको होगा स्ट्रोक कैपेसिटी 45 केजे, एंड फोर्स जब रहेगा एंड फोर्स होगा 1600 केएम मैक्सिमम पर मिनट, स्ट्रोक जो होगा आपको टानने में जो स्ट्रोक होगा जब टानेंगे गाड़ी 45 mm इसको स्ट्रोक सामने में एक होगा, और पुश करने में इसको 80 mm इसको पुश करेंगे, फिर प्री लोड में जैसे आगे का शरीर लोड आएगा 30 kN में आ जाएगा। कंप्लीटिंग हेड फीचर में आपको 10 टानने के लिए हेड में 1000 kN का फोर्स लगता है, बैक में 2000 फोर्स लगता है, 2000 kN के फोर्स लगते हैं। ये सीबीसी जब बेंड होते हैं या तो इस तरफ जाते हैं या तो इस तरफ आते हैं, तो इसमें 300 kN का फोर्स लगते हैं। ये जो इस टाइप कपलर है इसके टोटल इधर से ले के यो पिन अंदर में होगा, इसके जो लेंथ होता है 1030 mm प्लस माइनस 5 mm, और इसके जो वजन होता है 500 kg, इसके ये सीबीसी का वजन होता है 500 kg। इसके जो गैदरिंग रेंज होते हैं वो होता है प्लस माइनस 110 mm, और हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में होता है प्लस माइनस 90 mm। ये सीबीसी हेड जब आपको स्विमिंग करता है, कर्वेचर में स्विम होता है, तो हॉरिजॉन्टली ये प्लस माइनस में स्विम करता है 17.85 degree में, और वर्टिकली आपको प्लस माइनस में आपको 7 degree में ये स्विम करेगा। सीबीसी का जो मैक्सिमम स्ट्रोक होता है वो 3.5 mm का। दोस्तों मैं अभी आपको दिखा रहा, ये हो गया अभी सीबीसी लॉक कंडीशन में है आपका, ये जो हैंडल है ये हैंडल देखिए वर्टिकली नीचे में है, ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन ठीक है, अभी ये जगह में आपको ये जो पोर्शन है ये लॉक कंडीशन में रहने से ऐसी दिखेगा, ये टेल ठीक रहेगा और ये जगह ऐसी दिखेगा, और ये देखिए भी कट इसमें, तो मतलब लॉक कंडीशन में है। और ये सीबीसी का जो लॉक है देखिए, ये पोर्शन में लॉक है, ये नकल का जो लॉक का साथ में एडजस्ट होता है, अगर ये अनलॉक होगा तो ये लॉक पिन इतना तक उठा रहेगा, तो टाइम में आपका ये जगह, ये जो चीज़ है आपको दिखा रहा है, ये चीज़ ऐसी रहेंगे, इस तरफ में मुड़ जाएगा और हैंडल आपका इस तरफ में आ जाएगा ये पोर्शन में, और ये आर्टिकल जो है वो हैंडल इस तरफ में है। तो आप लोगों को अभी मैं समझाने सका है, तो इसके बाद में मैं और कुछ प्रोड्यूस करूँगा आप लोगों को। तो LHB कोच का ऊपर में आ गया मैं, अभी हाई स्पीड का लिए होता है तो, लेकिन दोस्तों मेरा वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे से लाइक दीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इसके बाद में इस LHB कोच के बारे में बहुत सारा टॉपिक्स आप लोगों के पास आएंगे, इसका बियरिंग होगा, स्प्रिंग होगा, देखिए इसका बारे में भी बहुत कुछ जानकारी होना है, तो इसके बाद में मैं आऊँगा। इसके बाद में ब्रेकिंग सिस्टम है, देखिए डिस्क ब्रेक है, और ये जो है आपका
ये इसका गाड़ी का जो मेन फीचर, इसके बाद में मैं बोलूँगा, तो तब तक के लिए इंतज़ार करिए और मेरे को साथ दीजिए, मैं इसके बाद में आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।